आलू गोभी की सब्जी बनाने के लिए एक फूल गोभी मैंने ली है यहाँ पे मीडियम साइज़ की। इस तरीके से टुकड़ों में काट के हल्के से गर्म पानी में एक चम्मच नमक डाल के 10 मिनट के लिए रख दिया था। दो आलू अच्छे से छील के धो के और काट लिए। नमक टेस्ट के हिसाब से यह लगभग आधा चम्मच, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा इंच का टुकड़ा अदरक का पतले पतले इस तरीके से लच्छे काट लिए, एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, चौथाई चम्मच जीरा और पिंच भर हींग इसी में है, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच तेल, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, दो टमाटर बारीक कटे हुए। सबसे पहले गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे और डालेंगे तेल। हल्का सा तेल गर्म हो जाए इसके बाद में डालेंगे हींग जीरा, थोड़ा सा भून लेंगे। जैसे ही हींग जीरा भून जाए गैस को कम करेंगे, बारीक कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च डालेंगे। गैस को कम ही रखना है, साथ में डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, हल्का सा मसाले को कम आँच पे भून लेंगे। कुछ सेकंड तक कम आँच पे मसाले भूनने के बाद में डालेंगे आलू, साथ में डाल देंगे गोभी। मिक्स करेंगे और गैस को थोड़ा तेज कर देंगे। तेज आँच पे इसको 2 मिनट तक भूनना है सब्जी को। 2 मिनट तक तेज आँच पे भूनने के बाद में डालेंगे इसमें टमाटर। टमाटर डालने के बाद में डालेंगे नमक टेस्ट के हिसाब से, लगभग आधा चम्मच लगेगा। नमक डालने के बाद में अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें पानी बिल्कुल नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि सब्जी बना रही हूँ मैं। अच्छे से नमक मिक्स करने के बाद में गैस को एकदम कम करेंगे और ढक्कन लगा के सब्जी को पकने देंगे। लगभग 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, सब्जी को चेक करते हैं। और बीच में मैंने एक दो बार चलाई थी, चेक कर लें। देखिए सब्जी अच्छे से पक चुकी है। अगर आपको कच्ची लगे तो 2-4 मिनट के लिए ढक के और रख लें। आखिर में डालेंगे गरम मसाला, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। गैस को बंद कर देंगे मिक्स करके और सब्जी को निकाल लेंगे। चलिए निकाल लेते हैं सब्जी को। लीजिए तैयार हो गई आलू गोभी की सब्जी, ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया और डाल देंगे। इंजॉय करें फुलके के साथ में आलू गोभी।